नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले किसान बुलेटिन की सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। एमएसपी पर चना और मसूर खरीद के फैसले पर किसान नेताओं ने उठाए सवाल। कहा 25% की खरीद होगी तो बाकी फसल कहां ले जाएंगे किसान। लॉकडाउन के चलते बंद हैं अनाज मंडियां। पंजाब में गेहूं देर से बेचने वाले किसानों को बोनस देने का प्रस्ताव केंद्र के पास अटका। अनाज मंडियों में भीड़ घटाना है मकसद। मई में गेहूं बेचने पर प्रति क्विंटल 100 तो जून में 200 रुपए देने का प्रस्ताव। सबको राशन देने के दावे के बीच राशन मिलने में आ रही परेशानी। यूपी के हरदोई में 70,000 से ज्यादा लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड से गायब। जालौन में राशन ना मिलने पर तहसील का घेराव। लॉकडाउन का सब्जियों और फलों की सप्लाई पर पड़ा बुरा असर। थोक मंडियों में मांग में लगभग 60% तक आई गिरावट। फूल उगाने वाले किसान खुद ही उजाड़ रहे हैं अपने खेत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान चने और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 13 राज्यों को अपने कुल उत्पादन का 25% हिस्सा खरीदने का निर्देश दिया है। केंद्र ने इसके लिए 1225 करोड़ रुपए जारी करने का दावा किया है। हालांकि हरियाणा के किसान नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सिर्फ 25% खरीद की शर्त गलत है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने किसानों से एक एक दाना खरीदने की गारंटी दी थी, लेकिन ये बात जुमला साबित हो रही है। किसान नेताओं ने सरकार से इस मुश्किल दौर में सारी के सारी फसल खरीदने की मांग की है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी जुटाते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन। गुरनाम सिंह जी, ये बताइए कि जो ये खबर आ रही है कि चना और सरसों की खरीदी होगी और उसमें जो ये शर्तें हैं कि 25% ही खरीद हो पाएगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। इस बार जो सरकार कह रही है, जो बयान दे रहे हैं बार बार कि हम एक एक दाना अनाज का खरीदेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी चिट्ठी में सरकार बोल रही है कि हम जो चना है वो 25% खरीदेंगे, सरसों जो है वो एक एकड़ में 6 क्विंटल ही खरीदेंगे, एक दिन में 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, और सरसों भी जो है वो 100% नहीं खरीदेंगे, और जो किसानों की पोर्टल पर दर्ज हुई है केवल उन्हीं का खरीदेंगे। तो ये बिल्कुल जो है एक तरह से किसान को इन दिनों के अंदर एक मारने जैसी बात होगी। अगर 25% अनाज सरकार खरीदे और 75% उसका कहीं उसको ढूंढना पड़े, और आज के टाइम में तो उसका ये भी नहीं कि वो कहाँ बेचे, क्या करे क्या ना करे। हमारा सरकार से सवाल है कि आज का जो दौर है, जिसमें घर में मजदूर बंद है, उसके पास उसकी मजदूरी उसको नहीं मिल रही है, उस वक्त तक अनाज की उसके पास कमी आ गई है, तो ये जो अगर हमारे घरों में अनाज रहे और वो सरकार उसको वहाँ तक पहुँचा ही ना पाए तो उनका क्या होगा। यानी देश की जो खाद्य सुरक्षा है उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि अगर सरकार 25% अनाज हमारा खरीदती और बाकी छोड़ती है तो सरकार का उसके एक बड़ा सवाल देश के सामने ये खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम जी इन तमाम जानकारियों के लिए। इस मामले पर किसान नेता राकेश कुमार बेंस की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। 25% फसल खरीदने की बात जो सरकार ने चिट्ठी निकाली है, यह एक PSS स्कीम के तहत इन्होंने निकाली है। वैसे तो हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो MSP पे मात्र 6% ही किसानों का अन्न खरीदा जाता है, किसानों की फसल खरीदी जाती है। उसके अलावा तो आज तक के जो है मोदी सरकार जी ने काफ़ी दिखाए हैं कि हमने कानून बदले हैं, हम किसान की सारी फसलें खरीदेंगे, पर ऐसा कोई प्रावधान जो है अभी तक जमीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहा, और जो पिछला डर था उसी तरह के कानूनों पर ही जो है सरकार आज भी चल रही है, उसी तरह के कानूनों पर जो है आज भी सरकार खरीद कर रही है। केंद्र ने कोरोना संकट के बावजूद मंडियों में भीड़ भाड़ रोकने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं दी है। पंजाब सरकार ने
देर से फसल लाने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव के ए पी सिन्हा ने बताया कि इस बारे में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को एक हफ्ते पहले चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। पंजाब सरकार ने 1 मई से 31 मई तक मंडी में गेहूं लाने पर किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये, जबकि 1 जून से 15 जून तक फसल लाने पर 200 रुपये देने की योजना बनाई है। इसका मकसद 15 अप्रैल से शुरू हो रही सरकारी खरीद के दौरान मंडियों में भीड़ को कम रखना है। दरअसल सरकार को केंद्र से इसलिए मंजूरी लेनी पड़ रही है क्योंकि केंद्र ने एमएसपी से ज़्यादा कीमत देने पर रोक लगा रखी है। यानी कोई राज्य अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा दाम या बोनस देता है तो केंद्र उस अनाज को सेंट्रल पूल में नहीं लेता है। पंजाब में 15 अप्रैल से शुरू हो रही सरकारी खरीद के लिए 1,30,000 टन गेहूँ मंडियों में आने की उम्मीद है। लॉकडाउन के बाद थोक मंडियों में सब्जियों और फलों की मांग में बड़ी गिरावट आई है। समाचार पत्र लाइव मिंट के मुताबिक इसमें लगभग 60% की गिरावट आई है। इसकी वजह होटल, ढाबा और रेस्टोरां में काम बंद होना है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। खेतों में फसलें तैयार खड़ी हैं लेकिन किसान उन्हें नहीं बेच पा रहे हैं। इससे सब्जी और बागवानी से जुड़े किसानों को भारी घाटा होने की आशंका है। इसमें सबसे ज़्यादा मार फूल किसानों पर पड़ी है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है जिसमें किसान मांग ना होने के चलते फूलों को खुद ही उजाड़ रहे हैं। मैंगो, संतरा, बनाना एंड मेनी अदर्स। Now the stoppage of these things will lead to losses to as many as 80 to 90 millions, that is about 8 to 9 crore farmers involved in the horticulture sector across the country. Now the mango season is very critical. अंगूर खेतों में तैयार हो चुका है लेकिन लॉकडाउन के मामले की वजह से इसका कारोबार भी पूरी तरह से ठप पड़ा है। किसानों को सूखे और मौसम की मार के बीच की गई अंगूर की खेती में लागत ना निकल पाने का डर सताने लगा है। पेड़ से लेकर जमीन तक हर तरफ मीठे रसीले अंगूर, ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नासिक की। इस बार उपज बहुत अच्छी है लेकिन लॉकडाउन के चलते एक तो अंगूर के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल भी रहे हैं तो सही दाम नहीं दे रहे। अब किसान इन्हें सुखाकर किशमिश बना रहे हैं। कोरोना वायरस से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। पहली तो व्यापारी लोग हमारे पास नहीं आ रहे, दूसरे लेबर लोग चले गए यहाँ से, और हमारे जो अंगूर है अभी वो पेड़ पे, अब ये अंगूर पेड़ पे है, बगीचे की भी नुकसान हो रही है। अगले साल की फसल की गारंटी नहीं है हमें। हमारा इस साल भी तो हो रहा है, अगले साल भी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अंगूर की बहुत बुरी हालत हो रही है अभी कोरोना की वजह से। व्यापारी बगीचे में नहीं आ रहे, 5-6 रुपये किलो वो मांग रहे। लागत उसकी 1.5 लाख रुपये है, उतना खर्चा भी निकल नहीं रहा है। अभी मजदूर भी नहीं आ रहे काम के लिए, उसके वजह से हम किशमिश बना रहे घर पे। कोरोना वायरस के संकट के चलते अंगूर का घरेलू कारोबार ही नहीं बल्कि निर्यात भी प्रभावित हुआ है। इस साल अंगूर का निर्यात पूरी तरह से ठप पड़ा है। 300 रुपये एक मजदूर मजदूरी लेता है हमारे पास से, और खर्चा एक एकड़ को 2.5 लाख रुपये आता है कम से कम। एक्सपोर्ट भी बंद पड़ा है, एक्सपोर्ट वाले भी पिछले साल के मुकाबले इस साल माल अच्छा नहीं लेके गए। पर एकड़ अंगूर को हमें 2.5 लाख रुपये खर्चा आता है, उसमें से लेबर 1 लाख रुपये लगता है, 1.5 लाख दवाई का, खाद का लगता है। ये तो अंगूर का हो गया, उसके बाद हमारा खुद का अलग का खर्चा रहता है, वो तो हम लोग जोड़ते नहीं। लेकिन सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हमें ये चाहिए कि ठीक है, चलो नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमारे फार्मर के तरफ आप देखिए। जिले के ज्यादातर किसान कर्ज लेकर अंगूर की खेती करते हैं लेकिन अभी के हालात में किसानों के सामने कर्ज चुकाने का संकट है। इसे देखते हुए वो सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। लागत भी नहीं है हमारा, 20 रुपये पर केजी, 20 या 25 रुपये पर केजी खर्चा आता है, वो खर्चा हमें मिल नहीं रहा। तो गवर्नमेंट, केंद्र शासन, राज्य शासन से हमारा ये कहना है कि हमें तुरंत किसी भी हालत में हमें मुआवजा जो चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो हमारा नुकसान हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसका हमें कुछ माफ़ कर दे। कर्ज वगैरह जो हमने लिया है, पिक कर्ज लेते हैं हम अंगूर के बारे में, अंगूर के लिए, वो हमें माफ़ कर दे।
महाराष्ट्र सरकार किसानों का बीते साल सितंबर तक का कर्ज माफ कर रही है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार लॉकडाउन के चलते नुकसान उठाने वाले किसानों पर भी ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे से लेकर रेडी पटरी तक सब कुछ बंद है। इससे बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक स्तर तक बढ़ गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार लॉकडाउन के पहले से ही बेरोजगारी की दर बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसके मार्च महीने में 8.7% तक पहुंचने का अनुमान था, जो 43 महीनों में सबसे ज्यादा थी। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद ये बेरोजगारी दर 23.5% पहुंच गई है। बेरोजगारी के चलते ही लॉकडाउन के बाद देश भर में शहरों से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आई थीं। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है। रेटिंग एजेंसी एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक रोजाना का ये नुकसान $4.5 अरब से भी ज्यादा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस दौरान टीबी जैसी संक्रामक मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दवाएं ना मिलने से लेकर कोरोना वायरस के चपेट में आने पर स्थिति बिगड़ने का जोखिम बढ़ गया है। वर्ल्ड हेल्थ डे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से फैली महामारी का सामना कर रही है। इससे निपटने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका अपनाया जा रहा है। इससे टीबी और दूसरी गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर टीबी मरीजों को दवाएं ना मिलने की शिकायतें भी आ रही हैं। कोरोना संक्रमण के बीच देश में टीबी के मरीजों की संख्या एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया के 1/4 से ज्यादा टीबी मरीज भारत में रहते हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टीबी संक्रमण के चलते सालाना 4,40,000 लोगों की मौत हो जाती है, यानी रोजाना 1200 से ज्यादा मौतें। इतना ही नहीं, हर साल टीबी के 2,70,000 नए मरीज जुड़ जाते हैं। सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाए रखने का लक्ष्य रखा है, लेकिन दवाएं ना मिलने की चुनौती इसमें बाधा बन रही है। टीबी या दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण को ज्यादा खतरा माना जा रहा है। ऐसे किसी भी हालात से बचने के लिए जरूरी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को जल्द से जल्द फैलने से रोका जाए। इसके लिए राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल या केरल मॉडल को कारगर माना जा रहा है, जहां TTT यानी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के फार्मूले के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें इलाके को कई हिस्सों में बांटकर डोर टू डोर जांच अभियान चलाया गया और कोरोना संक्रमित लोगों को अलग करके संक्रमण को आगे फैलने से रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और कोरोना के संकट के बीच इसका महत्व और ज़्यादा हो जाता है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें या कम्युनिटी हेल्थ केयर की बात करें, तो वहाँ पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इस पर हमने बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी। हरजीत जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, ऐसे में देश में ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। कोरोना की चुनौतियों के बीच हम अपनी कमजोरियों पर बात करें ताकि उन पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर फोकस है ग्रामीण भारत। आप ये मान लीजिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत बुरी है और ये कोरोना वायरस हमारे सामने, देश के सामने जो एक बड़ी आपदा बन के आया है, ये इसलिए भी बड़ी आपदा बन के आया है क्योंकि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को डिट्रिएट किया है और हमने इनको बेटर नहीं किया है। तो इसलिए हमारे सामने ये एक चुनौती है कि, लेकिन चुनौती के साथ साथ एक बड़ा अवसर भी है और अवसर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का है, लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने का है। जो स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने की एक 3-tier व्यवस्था सोची गई थी, उसमें गांवों पर कितना ध्यान दिया गया है, जो मेडिकल रिसर्च है क्या उसमें उतना उसके लिए बजट दिया गया है, और जो गांव के स्तर पर छोटी बीमारियों का निदान हो जाना चाहिए था, क्या उस सोच के साथ सरकार चल पाई है। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरतें हैं, बुनियादी सुविधाएं, क्या उनको विकसित किया गया।
जी अनिका जी, जो थ्री टायर सिस्टम इस देश में बनाया गया था उसके पीछे एक बहुत बड़ी समझ थी, और वो समझ थी कि जिस तरह के मरीज की परेशानी होगी उसको उसी लेवल पे सॉल्व कर दिया जाएगा। और दूसरी एक बहुत बड़ा उस थ्री टायर सिस्टम में मैसेज था, और वो मैसेज ये था कि स्वास्थ्य जो है वो सेवाएं हैं, और ये सेवाएं सरकार आपके घर तक पहुंचाएगी, सरकार ये सेवाएं आप तक पहुंचाएगी, ना कि आप हजारों किलोमीटर चल के और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए आएंगे। तो ये एक सोची समझी जो एक मतलब पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी उस टाइम की सरकारों की, हमारे देश जब बनाया गया था कि प्राइमरी केयर होगा, सेकेंडरी केयर होगा, तर्शरी केयर होगा, कि अगर कोई छोटी बीमारी है तो आपको आपके गांव के लेवल पे ही उसका इलाज मिल जाएगा, अगर कोई थोड़ी सी कोई बड़ी परेशानी है तो आपको जिले के लेवल पे उसका इलाज मिल जाएगा, अगर उससे भी कोई बड़ी परेशानी है या रेयर है तो उसके लिए आपको जो है तर्शरी केयर या बड़े हॉस्पिटल में मतलब आना पड़ेगा जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। लेकिन अब तो ये है कि हम देखते हैं कि हज़ारों किलोमीटर चल के बिहार से, यूपी के इंटीरियर से, इंक्लूडिंग बाहर से भी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और आप बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर देख लीजिए, एम्स के बाहर देख लीजिए, सफदरजंग के बाहर देख लीजिए, हज़ारों की तादाद में लोग पड़े हैं सड़कों पर। 70-80% हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी हैं, वहां पे वैसे ही खरीदनी पड़ती हैं। सरकार की तरफ से कुछ लीपापोती होती है कि जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजना जिसमें कि सरकार कहती है कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो भी किस तरह से लोगों को मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स वो आयुष्मान भारत को इंक्लूड करने के लिए भी तैयार नहीं है, कई सारे स्टेट्स उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, आज कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, और उसने हमारे देश के स्वास्थ्य सेवाओं का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। तो क्योंकि अब ये चीज़ हमारे सामने आ गई है, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सरकारों को ये समझाएं कि आप बाकी सब चीज़ें छोड़ के अपना पूरा का पूरा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं पे लगाएं, आप सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, मुझे अपने घर में इलाज करवाएं, तो अनिका जी कुछ हमें बेनिफिट होने वाला है। नहीं तो अगर ये महामारी में भी, महामारी के बाद भी हम फिर से वही हिंदू मुसलमान की डिबेट में पड़ गए, अगर हम फिर से वही नफरत की आड़ में आके और इलेक्शंस में वोट करते रहे, अपनी पॉलिटिक्स जो है अभी भी हमने नहीं सुधारी, तो मेरे हिसाब से फिर ये हालत और बिगड़ने वाली है, और हो सकता है कि ऐसी कई सारी बीमारियां जिनका बहुत अच्छे से इलाज संभव है उनके अभाव में पता नहीं कितने लोगों की जान जाती रहेगी। कोरोना से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल पूरी तरह से सामने आ गया है, गांव क्या शहर भी पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जो कोरोना के संकट ने हम सबको क्या सबक दिया है, ग्रामीण भारत के लिहाज से क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपनी इन कमियों पे फोकस करें और पीएससीज को और सीएससीज को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, और उसकी स्ट्रेंथनिंग तभी होगी जब हम असेंशियल जो सुविधाएं हैं वो पीएससी सीएससी तक पहुंचाएं। इसका मतलब है कि जहां पे जो मतलब माइनर छोटे मोटे ऑपरेशंस, छोटी छोटी बीमारियों की दवाइयां, या इवन जो क्रॉनिक डिसीजेज हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या बाकी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनके सबके इलाज जो हैं ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ही हो जाने चाहिए। जो नॉर्म, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे भी होना हो जाने चाहिए। जो अपने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं मतलब एक्सरेज हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गए, या इवन इंक्लूडिंग सीटी, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मतलब गांव के लेवल पे हो जाना चाहिए, ताकि पेशेंट सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए जिसको सच में मामूली परेशानी से बड़ी बीमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी जी इन जानकारी के लिए, और अब वक्त है एक ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइए, आप देखते रहिए किसान बुलेट। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे, ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2672।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार फैसले ले रही है। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि सांसदों, मंत्रियों, राष्ट्रपति के वेतन का 30% हिस्सा कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए काटा जाएगा। साथ ही सांसदों को मिलने वाली सांसद निधि यानी एमपी लैंड अगले 2 साल तक नहीं दी जाएगी। हालांकि सांसद निधि पर रोक लगाने के फैसले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि सांसद निधि रोक देने से सांसद अपने इलाके में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, जबकि इस वक्त सांसदों को अपने अपने इलाकों के लोगों के लिए ज्यादा काम करने की, ज्यादा राहत पहुंचाने की जरूरत है। कोरोना वायरस की वजह से हर इलाके की जरूरतें और समस्याएं अलग अलग हैं, जिन्हें स्थानीय सांसद ठीक तरह से निपटा सकते हैं। अगर एमपी के इलाके में कुछ इमरजेंसी आती है, 400-500 हजार आदमियों को खाने के लिए राशन का इंतजाम नहीं है, वो इंतजाम करना है। अगर लोगों के पास सेफ्टी के मास्क नहीं है, वो इंतजाम करना है, और हजार चीजें होती हैं, उनका इंतजाम करना है। तो अगर एमपी के पास अपना फंड नहीं होगा तो वो इंतजाम कैसे होंगे। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि एक बार फिर ये फैसला वो सोच लें, सारी बातें फैक्टर इन कर लें और फिर आगे की स्ट्रेटजी बनाएं। लॉकडाउन के दौरान 26 मार्च को राहत पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि इस मुश्किल वक्त में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसके लिए पीएम गरीब अन्न योजना का ऐलान किया गया था, लेकिन क्या वाकई में इस ऐलान के बाद गरीबों के घरों में राशन और थाली में खाना पहुंच पाया है? देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मेकिंग श्योर दैट नॉट वन गरीब रिमेन्स विदाउट फूड। गरीबों को निशुल्क राशन देने का ये ऐलान लॉकडाउन के दौरान लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए है। इसके तहत पीडीएस के सामान्य आवंटन के अलावा हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल निशुल्क दी जानी है। लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश के हरदोई के लोग राशन कार्ड से नाम काटे जाने की शिकायत कर रहे हैं। सुनिए इस बारे में अधिकारी क्या कहते हैं। राशन कार्डों में जिन लोगों के आधार डुप्लीकेट थे, पता लगा कि एक जिले में यहाँ भी लगाए थे उनके आधार कार्ड और दूसरे जिले में भी लगाए थे, तो एक जगह से उनको डिलीट कर दिया गया है, जिस वजह से हमारी यूनिट की संख्या घट गई है। ये तो रही एक जिले की बात जहाँ लाभार्थियों की संख्या लगभग 76,000 तक घटा दी गई है। अब अगर पूरे देश में लागू खाद्य सुरक्षा कानून की बात करें तो कई गरीब और जरूरतमंद इसके दायरे से बाहर हैं। दरअसल 80 करोड़ वाली पीडीएस लाभार्थियों की सूची को 2013 से 2016 के बीच अंतिम रूप दिया गया, लेकिन तकरीबन 4 साल से इस लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया है। यानी इस दौरान आबादी और जरूरतमंद तो बढ़े, लेकिन वो खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं आ पाए। यही वजह है कि लॉकडाउन के बाद से ही तमाम सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस मुश्किल दौर में अगले कुछ महीनों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून को सभी के लिए लागू कर दिया जाए, यानी सभी को निशुल्क या बेहद कम कीमत पर जरूरत का राशन मुहैया कराया जाए, ताकि वाकई में किसी के सामने भूखे पेट सोने की नौबत ना आए। उत्तर प्रदेश के हरदोई से मोहम्मद आसिफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। यूपी की ही एक और तस्वीर देखिए, जहां गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ये मामला जालौन का है, उत्तर प्रदेश के जालौन का, जहां राशन ना मिलने से परेशान महिलाओं ने तहसील का घेराव किया। महिलाओं का आरोप है कि अफसर समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, जिससे लॉकडाउन के दौरान उन्हें भूख का सामना करना पड़ रहा है। राशन लेने आए थे, बोले यहाँ राशन बढ़ रहा, राशन हमारे कट गया, तो हम आए थे। का खाएं, हम परेशान है, राशन पानी बट रहा हो तो सबके मिल गाओ, हमें नहीं मिलो। कब से आप आ रहे हो, कितने लोग हैं? हमें 8-10 दिन होगा जब से हम आ रहेंगे, नहीं मिल रहा हो। राशन कार्ड की जो पूरी व्यवस्था है, वितरण प्रणाली है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और राइट टू फूड के साथ जुड़ी हुई है दीपा सिन्हा जी, उनसे फोन पर जानकारी लेते हैं। दीपा सिन्हा जी, क्या व्यवस्था होनी चाहिए और ये कोरोना से हम सबको क्या सबक मिलता है जहां तक राशन कार्ड की व्यवस्था की बात है?
देखिए पहले जो व्यवस्था है हमारे यहाँ वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इस देश में ग्रामीण इलाकों में 75% और शहरी इलाकों में 50% जनसंख्या को राशन कार्ड राशन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये 2011 के सेंसस के हिसाब से इसके आंकड़े बने हैं और पिछले 10 साल में जनसंख्या बढ़ी है, इसके चलते भी बहुत लोग अभी जिनको वैसे मिलना चाहिए लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो बाद में पैदा हुए हैं, शादियां हुई हैं, महिलाएं अलग गांव में गई हैं, इन सब के पास कार्ड नहीं है। और उस पुराने सिस्टम के तहत भी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स और अलग अलग लोग हैं जो छूट गए इन लिस्ट से, और इससे सबक यही मिलती है जो पहले से हम सब लोग कहते आ रहे हैं कि ये जो बेसिक सर्विसेज होती है इनको यूनिवर्सल होना चाहिए, वही तरीका है जिससे हम कह सकते हैं कि ना छूट। अब ये बताइए कि कोरोना को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो पैटर्न है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी ये समस्या निपटने वाली है, ऐसे में किस तरह की चुनौती देख रहे हैं आप? खाद्य भंडार तो है लेकिन जरूरतमंदों तक सामान नहीं पहुंच रहा, ये किस तरह का विरोधाभास? जी तो कोरोना जैसे आपने कहा ये तो लग नहीं रहा है कि ये 21 दिन का सवाल है, ये कुछ महीनों तक इसका इम्पैक्ट तो दिखने वाला है। अगर लॉकडाउन उठ भी जाए तुरंत लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाली है, और ये जो एक क्राइसिस आई है इकोनॉमिक, इसके लिए कुछ महीनों तक लोगों को सपोर्ट की जरूरत होगी। हमारे FCI के गोडाउन में अब लगभग 78 मिलियन टन के अनाज है, तो हमें वो सिस्टम तय करना है कि कैसे हम लोगों तक अनाज तो जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। अभी जो अनाउंसमेंट आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, उसमें सिर्फ ये कहा है कि जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है उन तक हम पहुंचाएंगे। हमें ये खबर मिल रही है कि अभी तक हर राज्य में पहुंची नहीं है। काम भी करना होगा, जिसको भी जो भी जरूरतमंद है वो राशन दुकान पहुंचे अपने नजदीक और किसी भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, वोटर आईडी हो, आधार हो, जो भी है उनके पास, उसके तहत उनको हमें राशन देना पड़ेगा कम से कम मुझे लगता है अगले 3 महीने तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। और जाने से पहले आपसे ये आग्रह करूंगी कि अगर आपके इलाके में किसी तरह की दिक्कत है, मुसीबत है, आप किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमें अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज दें, उसमें परेशानी, अपना नाम, पता, ये सब शामिल करके हमें बताएं और हमें भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।